नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा ये जो हायरेसी है, इस हायरेसी में से परफेक्ट कूलिंग नहीं होता है, बढ़िया तरीके से कूलिंग नहीं हो रहा है। इसका जो दो साइड है, दो साइड में एक तरफ की साइड से ज़्यादा कूलिंग होता है और बीच के हिस्से से बिल्कुल कूलिंग नहीं है और साइड में थोड़ा कूलिंग होता है, सिंपल कूलिंग होता है। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए मेरे हाथ पे टिशू है। इसे टिशू को आप देख सकते हैं, टिशू पेपर को, ये जो पहले हिस्सा था, पहले में से ज़्यादा हवा निकल रहा था और बीच का जो हिस्सा है इसी के, इसमें से बिल्कुल भी हवा नहीं निकल रहा है। और देखिए, ये सिंपल तरीके से हवा साइड पे से निकल रहा है, यानी कि ये जो एसी है इस तरफ से आपको थोड़ा कूलिंग होता है और बीच का जो हिस्सा है बिल्कुल कूलिंग नहीं। और जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट पे ज़्यादा कूलिंग हो रहा है ये दो साइड की कंपेयर पे। तो से देखिए, ये जो साइड है, इस साइड में देखिए थोड़ा बहुत कूलिंग हो रहा है और बीच में बिल्कुल कूलिंग नहीं है और साइड में और भी कूलिंग नहीं है। तो दोस्तों, इस एसी में का खराबी का दिक्कत आ गया है और किस वजह से इस एसी परफेक्ट तरीके से कूलिंग देने में असमर्थ है और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, आज मैं आप लोगों से उन्हें डिटेल करके दिखाऊंगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो अभी है, इस टिश्यू पेपर को कंपेयर करना पड़ेगा और जो आखिर में मैं दिखाऊंगा उसके साथ इसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि इसमें जो एसी है, इस एसी में क्या दिक्कत आ गया है। तो जैसे देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो एसी का फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर को आपको ऊपर उठाना है और खोल लेना है। और इसके जो फिल्टर है, फिल्टर को आपको चेक करना है। तो देखिए, मेरे तरफ देखिए, जो एसी है, एसी का फिल्टर ये बहुत मैल हो चुका है, इस पर क्लॉग हो चुका है। और इसका जो फिल्टर, जो ब्लू फिन है, ब्लू फिन्स भी देखिए, तो देखिए इस पर काफ़ी सारे मेल जम चुका है। तो दोस्तों, मेल जमने के वजह से जो फिन्स है, फिन्स भी ब्लॉक हो चुका है। तो ये ब्लॉक होने के कारण ये जो हवा है, हवा ठीक से पास नहीं होता है, ठीक से एयर फ्लो नहीं होता है। और साथ आपको चेक करना पड़ेगा, ये जो एसी है, इस एसी के साथ एक फैन मोटर होती है और फैन मोटर के साथ एक रनर जुड़ा होता है। उस रनर हमेशा एसी चलते समय घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, तो आपको अंदर से बाहर की तरफ हवा निकलता है, बाहर की तरफ हवा फ्लो करता है। तो आपको उस रनर को चेक करना पड़ेगा, उस रनर को का कंडीशन होता है, उस रनर पे अगर मेल है तो आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं फैन मोटर के जो रनर होती है। तो दोस्तों देखिए, मेरे सामने अभी रनर है, रनर पे देखिए काफ़ी सारे मेल जम चुका है, इस पर डार्ट हो चुका है और ये पूरा गंदगी से फैल चुका है। तो दोस्तों, इसी वजह से जो एसी है, एसी के एक तरफ कूलिंग होता है और बाकी के जो दूसरे पार्ट है, बीच के हिस्से और साइड में, इसमें बिल्कुल कूलिंग नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो एसी का रनर है, तो मैंने अभी इसे सर्विसिंग किया है, क्लीनिंग किया है। क्लीनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीनिंग हो चुका है। और फिर भी इस पे अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होता है तो आप इसे मास्टर सर्विसिंग कर सकते हैं। मास्टर सर्विसिंग करने से ये बिल्कुल दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने अभी इसे क्लीनिंग किया पर उस तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए। फिर भी अभी ये जो कूलिंग है, कूलिंग ये बिल्कुल बराबर होना शुरू कर देगा। तो उसे देखिए, पहले के मुकाबले जो इस साइड में से कूलिंग हो रहा था उससे भी ज़्यादा अब इसमें कूलिंग देखने को मिल रहा है। और बीच के हिस्से देखिए, बीच के हिस्से में से बराबर कूलिंग होता है और साइड के हिस्से में से बराबर कूलिंग होता है। तो दोस्तों, जब आपके एसी बिल्कुल ठीक रहेगा तो आपको जो पहला पार्ट और आखिरी पार्ट, ये पूरा एसी जो है, स्विंग ब्लेड है, इसमें सबको प्रॉपर हवा निकलेगा और प्रॉपर कूलिंग होगी। ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड के चारों तरफ आपको बिल्कुल 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 इक्वल तरह के आपको एयर फ्लो होगी और कूलिंग भी आपको इक्वली मिलेगी। अगर सर्विसिंग करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है तो आपके जो फिन्स है, फिन्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, तो आपको उसे मास्टर सर्विसिंग करिए, तो आपको ये जो समस्या है, समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए, मैंने अभी इसे सर्विसिंग किया, सर्विसिंग करने के बाद ये जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बिल्कुल वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। और ये जो एसी है, ये बिल्कुल अब ये परफेक्ट है, ये चारों तरफ से कूलिंग हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उस भाई को इसके बारे में बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटे का ज़रूर बजा दीजिएगा। और
तो उम्मीद है कि आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।